Excuse me, but... तू घर जा, तोशु को भेज दे। आपको अपनी नई वाइफ के पास जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझे ऑर्डर्स मत दीजिए आप। डॉक्टर, क्या हुआ? Is she okay? Excessive blood loss हुआ है। इनफैक्ट उन्हें कल से काफी ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं। मुझे लग रहा है कि कहीं आपकी शादी की वजह से वो चुप तो नहीं थी। डॉक्टर, खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप हमारे पास इस वक्त फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी, हम लोग ब्लड बैंक फोन करके फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अद्वैत सर, इस शहर में वो पॉजिटिव ब्लड कहीं भी नहीं मिल रहा है। व्हाट? आपकी फैमिली में ब्लड ग्रुप किसी का है? अभी अभी एक पोयम बनाई है, सुनोगी? सुहाग रात में मिलते हैं प्रेम के ढाई अक्षर, सुहाग रात पे मिलते हैं प्रेम के ढाई अक्षर, तुम पहली ऐसी दुल्हन हो जिसे मिले हैं सिलवासा के मच्छर। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? मजा नहीं, तरस आ रहा है। थोड़ी देर पहले तक अनुपमा बिल्कुल ठीक थी, फैमिली के साथ नाच गा रही थी और अचानक बेहोश हो गई और बात इमरजेंसी सर्जरी तक पहुंच गई। स्ट्रेंज ना? इनफैक्ट टू मच। मुझे तो लगता है भगवान भी तुम्हारी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। पर जब पति ही मुंह फेर ले तो परमेश्वर की क्या गलती। सुहाग रात एक्स वाइफ के साथ, रियली सैड। ये तो बस शुरुआत है काव्य, ये तुम्हारी मैरिड लाइफ का फर्स्ट डे है। आगे आगे देखो होता है क्या। मच्छर था। मच्छर पे नहीं, अनुपमा पे कॉन्सेंट्रेट कर, वरना जिंदगी भर पति पत्नी और वो खेलती रह जाओगी। नहीं, भैंस का नहीं चाहिए, सिर्फ काव का ही चाहिए। देखिए मेडिसिन्स देनी है, आप प्लीज जल्दी जाके लेकर आइए। ओके मैम। अनुपमा की इतनी चिंता थी तो पापा को अकेले छोड़ के चली आई तुम। पापा आप ठीक है माँ, और पापा से ज्यादा मम्मी को मेरी जरूरत है। मम्मी मम्मी करना बंद करो और काव्या पे फोकस करो। अनुपमा चैप्टर इज ओवर नाउ, और काव्या ही अब तुम्हारी सास है। काव्या मेरी सास है तो मम्मी मेरी माँ है। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मैं कौन हूँ? हाँ, क्या करूँ, तुम्हारी माँ होने की जिम्मेदारी छोड़ दूँ? Stop being an emotional fool, किंजल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए फील्डिंग करते करते थक गई हूँ और तुम मुझे अनुपमा की तरह लेक्चर दे रही हो। Why don't you understand कि काव्या की तरफ होने में ही तुम्हारा फायदा है? And why don't you understand कि फायदा और नुकसान सिर्फ बिजनेस में देखा जाता है, ना कि रिश्तों में। काव्या भले ही आपके लिए आपकी समधन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ काव्या है, एंड दैट्स इट। काव्या तुम्हारी सास है और अब तुम दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है। आई नो, इसलिए ना मैं बदतमीजी करूंगी और ना मैं बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। काव्या के एक्शंस पे ही मेरे और बाकी सबके रिएक्शन डिपेंड करते हैं मॉम। एनीवे, मुझे बापूजी को मेडिसिन देनी है तो बाय। ओह गॉड, इस अनुपमा ने मेरी बेटी को बिल्कुल गाय बना कर रख दिया। लड़की उस काव्या जैसी लोमड़ी को कैसे हैंडल करेगी? ये नई जमीली दुल्हन
सुबह सुबह कहाँ जा रही है? गुड, मुझे अनुपमा का पूरा ब्लड प्रोफाइल चाहिए. ओके, थैंक यू. वी कहाँ है? मुझे लगा तुम पूछोगी अनुपमा कैसी है. एनीवेज, वनराज वहां रूम में ब्लड डोनेट कर रहे हैं. इज इट फॉर अनुपमा? जाहिर सी बात है. इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि दोनों का खून का भी रिश्ता है. वनराज ने मुझे बताया कि एक बार अनुपमा ने भी उन्हें ब्लड दिया था. एक्सक्यूज मी. तुम एक बार खड़ा होवी, मुबारक हो. कंग्रेचुलेशंस, अनुपमा की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई. यार अब एक ग्रुप हक तो बनता है ऐसी बात पे. नहीं, आई एम सो हैप्पी. थैंक गॉड. व्हाट डू यू मीन थैंक गॉड? कमाल का है लड़का. सर्जरी डॉक्टर ने करी, ये पूरा का पूरा क्रेडिट इसने भगवान को दे. थैंक्स टू यू डॉक्टर आदि और बाकी के डॉक्टर्स को भी बिग थैंक यू. अच्छा लिसन, अनुपमा इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उनका रेस्ट और उनकी जो डाइट है उसका ख्याल रखना पड़ेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी मेंटल हेल्थ. उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना पड़ेगा उनकी क्विक स्पीडी रिकवरी के लिए. ओके, बस दैट्स इट. अब आप दोनों घर जाइए, मैं यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए. मैं यही रुकूंगा डॉक्टर. अरे यहाँ पे रुकने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अनुपमा को अभी इतनी जल्दी होश नहीं आने वाला. क्या वैसे भी कल आपका काफी ड्रामेटिक दिन रहा था, तो डॉक्टर्स एडवाइस इज जस्ट गो बैक होम एंड रेस्ट अप. को आदि ठीक कह रहा था. तुम घर जाओ, आराम करो. आप जाइए. वैसे भी मम्मी को अकेला छोड़ने की आदत आपकी, मेरी नहीं.